सतर्कता, जागरूकता और विश्वसनीयता की बात आरोग्य सेतु ऐप के साथ। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, कोरोना से जुड़े अपडेट्स पाएं, कोरोना पॉजिटिव लोगों का पता लगाने में मददगार आरोग्य सेतु ऐप। अफवाहों से बचें, विश्वास से जिएं। अब है आपके साथ आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की बात हम बार बार करते हैं, कैसे करें, क्यों करें, ये तमाम सवाल हमारे मन में उठते ही होंगे। तो साथियों, आपको हम उन तमाम बातों की जानकारी देते हैं जो आरोग्य सेतु ऐप से जुड़े हुए हैं। और इसके लिए हम बात कर रहे हैं NIC के उप महानिदेशक और स्टेट इन्फॉर्मेटिक्स ऑफिसर श्री प्रकाश राव जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। इस वक्त मध्य प्रदेश के तमाम श्रोताओं की ओर से हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू। सबसे पहला सवाल जो हम आपसे करना चाहते हैं वो यही है कि ये आरोग्य ऐप जिसका इतना हम प्रचार प्रसार सुन रहे हैं, इसके बारे में बताएं कि ये है क्या। यह एक मोबाइल ऐप है, जितने भी स्मार्टफोन यूजर्स हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे PPP मॉडल में NIC और प्राइवेट के सहयोग से विकसित किया गया है। यह ऐप अंग्रेजी और हिंदी समेत 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। यह ऐप लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को बताता है और जोखिम का आकलन करने में मदद करता है। यह व्यक्ति की सिम्टम्स, हेल्थ कंडीशंस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एवं ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर खतरों का आकलन करता है और यूजर्स को अलर्ट करता है। एंड्रॉयड और आईफोन दोनों तरह के स्मार्टफोन पर इसे डाउनलोड किया जा सकता है। यह खास ऐप आसपास मौजूद कोरोना पॉजिटिव लोगों के बारे में पता लगाने में भी मदद करता है। उपयोगकर्ता के मोबाइल के ब्लूटूथ स्थान, GPS के और मोबाइल नंबर का उपयोग करके ऐसा किया जाता है, इसलिए ब्लूटूथ और GPS को चालू रखना अनिवार्य है। तो सर, इस ऐप को हम कैसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं? यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए उपलब्ध है। इसे गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। और ये पूरी तरह से निःशुल्क होता है सर? हाँ, ये पूरी तरह से निःशुल्क है। डाउनलोड होने के बाद इसमें क्या प्रक्रिया करनी होती है? डाउनलोड करने के बाद जो है इस ऐप को जो यूज कर सकते हैं वो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस ऐप के द्वारा यूजर को अलर्ट भी प्राप्त होता है तथा इसके द्वारा सेल्फ असेसमेंट भी आप कर सकते हैं। इस ऐप में सरकार द्वारा समय पर जारी दिशा निर्देश एवं परिपत्र भी उपलब्ध है। इसमें यदि मान लो कोई पता पड़ता है कि भाई किसी को कोई दिक्कत है, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जो है इसमें उपलब्ध कराए गए हैं। इस ऐप में डेटा प्राइवेसी का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है तथा डेटा एनक्रिप्ट कर मोबाइल में ही रहता है, जिसका उपयोग जो है सिर्फ मेडिकल इंटरवेंशन के टाइम पर ही किया जाता है। सर, अभी आपने एक शब्द बोला था कि ये जोखिम से भी बचाता है, तो ये एक ऐप किस तरह से कोरोना के जोखिम से बचा सकता है इंसान को, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जैसे ही इसमें क्योंकि GPS और जो है ब्लूटूथ के माध्यम से जो है ये पूरा ट्रैक रखता है उस इलाके में जितने भी लोग हैं उसके बारे में जो है ये जानकारी जो है एक डेटाबेस भी बनाता रहता है, जिससे मालूम पड़ता है कि भाई यहाँ पे जो है कौन कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, उसके आधार पर ये बताता रहता है। इसलिए जो है हर एक को चाहिए कि इस ऐप को जो है डाउनलोड करें। और क्या ये सरकारी जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उन सबको डाउनलोड करना अनिवार्य किया गया है? अनिवार्य किया गया है, तो ये बहुत जरूरी है। तो वैसे तो खैर सभी लोगों को ये करना ही चाहिए, लेकिन सरकारी तौर पे इसको अनिवार्य किया गया उन लोगों पे जो सरकारी कामकाज से जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा, कई लोगों के पास, हमारे भाइयों के पास जो है स्मार्टफोन नहीं है, उनके पास फीचर फोन है, और ऐसे लोगों के लिए भी जो है एक सेवा चालू की गई है जिसका नाम है आरोग्य सेतु IVRS योजना। यह सेवा संपूर्ण भारत में उपलब्ध है और ये टोल फ्री सेवा है। उपयोगकर्ता 1921 नंबर पर एक मिस कॉल दे सकते हैं, जैसे ही वो मिस कॉल देंगे वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, दोबारा जो है वहाँ से कॉल बैक आएगा, कुछ सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे और जैसे ही उसका उत्तर देंगे उनके उत्तर के आधार पर स्वास्थ्य स्थिति का संकेत देने वाला एक SMS मिलेगा और आगे भी नागरिक को अपने संबंधी अलर्ट प्राप्त होते रहेंगे। यानी कि दोनों ही तरह के फोन वाले लोगों के लिए ये सुविधाएं पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध है, इसका जरूर लाभ उठाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। आप हमारे मध्य प्रदेश के तमाम श्रोताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? इस आरोग्य सेतु ऐप का जो है वो डाउनलोड करें, अपने इस पे इस्तेमाल करें और हमेशा जो है चेक करते रहें, सेल्फ असेस करते रहें और जब भी बाहर निकलें वो देखें, उसका इस्तेमाल करके देखें कोई आसपास कोई पेशेंट तो है नहीं, इन सभी ऐपों का वो करें और स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, हमारे तमाम श्रोताओं से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। ये थे डिप्टी डायरेक्टर जनरल और स्टेट इन्फॉर्मेटिक्स ऑफिसर NIC मध्य प्रदेश स्टेट सेंटर श्री प्रकाश राव। सतर्कता, जागरूकता और विश्वसनीयता की बात आरोग्य सेतु ऐप के साथ।
आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, कोरोना से जुड़े अपडेट्स पाएं, कोरोना पॉजिटिव लोगों का पता लगाने में मददगार आरोग्य सेतु ऐप। अफवाहों से बचें, विश्वास से जिएं। अब है आपके साथ आरोग्य सेतु ऐप।